हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीरोज फॉर्मूला का सेकंड पार्ट लेंगे। उसमें उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर पेपर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। अब मेन चीज ये है कि राधा स्टूडेंट है, उसने पेपर से एक एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन शेप, जिसका आपको टोटल जो पेपर यूज हुआ उसका एरिया फाइंड। तो ये इसमें फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ पार्ट। हमको इस टोटल जो पेपर यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड। तो जिसको हमने पांच पार्ट में डिवाइड कर लिया, फाइव पार्ट में डिवाइड करके हम एक एक का एरिया फाइंड। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे फर्स्ट शेप का एरिया, और फिर सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फर्स्ट का हम एरिया देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें। फर्स्ट शेप अपने पास देखिए, ये आइसोस्केल ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये साइड 5, ये 5 और ये 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम देखें तो सबसे पहले S, S की वैल्यू क्या आएगी, 8 π + 5 + 1 / 2। S is equal to A plus B plus C upon 2 के according, ये आपके पास आया 11/2। ओके, अभी आपको point को change नहीं करना, fraction को fraction में रखें। अब हम find कर रहे हैं area triangle ABC। तो area triangle ABC अगर देखें हम, तो आपको formula वही apply करना है, S, S minus A, S minus B and S minus C। इसके according अब S, S की वैल्यू आपकी 11/2, ओके, 11/2 माइनस A, A की वैल्यू 5, देन आफ्टर 11/2 माइनस B की वैल्यू 5, 11/2 माइनस 1, C की वैल्यू आपकी, ओके। तो अब 11/2 तो ऐसे भी रहेगा, इसको जब आप ऐसे लेके सॉल्व करोगे तो 2 5 10 11 - 10 आपका जो आएगा 1/2, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/2, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे 2 2 11 - 2 9। ओके, अब हम यहां क्या देखते हैं, अपोन वाली वैल्यू देखते हैं पहले 2 2, तो यहां से 1/2 1/2 ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 का जो 3 होता है 3 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 11। अब 11 का अंडर रूट हमको फाइंड करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं 11। अब यहाँ पे 11 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर आपका क्या है, 9 3 3 9। तो ये मेथड आपने क्लास 8 में पढ़ रखी है स्क्वायर रूट फाइंड करने की। 2, अब यहाँ पे आपके पास ऊपर 3 आ गया और पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 00, देन आफ्टर 3 + 3 = 6 और यहाँ पे आएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग इससे छोटा वैल्यू आनी चाहिए, तो 3 * 9 = 6 = 18 189, इससे छोटी वैल्यू आ गई यहाँ पे 3.3। हम यहीं तक कर रहे हैं, इसके आगे चाहें तो भी कर सकते हैं, हमने यहीं तक करा है, तो अपने पास आ जाएगा 3/4 और 11 की जो वैल्यू आई है वो अपने पास 3.3 है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले 3 से 3 * 9 9.9 मल्टीप्लाई करने पर आ गया 4 डिवाइड में है, तो 4 का डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आएगा 4 * 2 = 8, ओके 1 9, 4 * 4 = 16, ओके 3 0 4 7 = 28, 4 5 = 20। तो अपने पास जो इसका एरिया आया है फाइनली 2.475 cm². ये फर्स्ट एरिया आया अपने पास। ओके, इसी तरह से हम सेकंड शेप का एरिया फाइंड करेंगे, तो आगे देखते हैं सेकंड शेप। तो सेकंड शेप आपका नॉर्मल है, आपका रेक्टेंगल है, तो डायरेक्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेम जो है BC, BBC³ का नेम दे देते हैं। तो शेप में आपको नजर आ रहा है एरिया PBCQ, तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपका नॉर्मली लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो लेंथ आपकी होगी 6.5
एंड प्रिंट हो गई आपकी वन, इसका एरिया डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास 6.5 सेंटीमीटर इस पर, ये इसका एरिया हो गया, ये सेकंड पार्ट का एरिया है। अब थर्ड पार्ट पे हम आ जाते हैं, अब इसका आप थर्ड शेप देख रहे हैं, तो थर्ड शेप का डायग्राम जिस टाइप से आपने देखा था, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में आपका ये पी, ये क्यू, ये आपका आर, ये आपका एस। तो अब ये जो साइड्स दे रखी है आपको, ये 1 सेंटीमीटर गिवन, ओके, ये आपको 2 सेंटीमीटर गिवन, और ये आपको 1, और ये भी आपको 1 गिवन। तो हम इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, QM पैरेलल टू, QM पैरेलल टू PS, QM एक लाइन ड्रॉ कर रहा है जो कि PS के पैरेलल है, और ट्रेपेजियम है, इट मींस ये दोनों लाइंस ऑलरेडी आपकी क्या है, पैरेलल। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम है तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, हियर PQMS इज अ पैरेललोग्राम, सो QM इक्वल्स PS इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, एंड QP इक्वल्स MS इक्वल्स 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपके पास ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इट मींस ये पूरा 2 था, तो ये कितना था 1, क्योंकि ट्रेपेजियम में इसकी हाइट के पास नहीं है, सारी साइड के पहले हाइट फाइंड करेंगे, ये 1, ये 1, ये 1। तो इन ट्रायंगल हम देख रहे हैं QR, All sides are equal. So area triangle QRL equals under root 3/4 side is 1 ka square under root 3/4. So under root 3 ki value jo hoti 1.732, jaisa ki humne jaanta hai 4. आप इसको चेंज करेंगे तो 4 4 16 0.4 आएगा, क्योंकि 1 में कोई डिवाइड नहीं आता, 4 3 12 4 3 12। तो आपके पास जो एरिया आया है वो 0.433 आया है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया है, बट ट्राइंगल का एरिया हम ऑलरेडी जानते हैं कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट के इक्वल रखेंगे, देन 0.433, ओके, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाफ बेस आपका हुआ है, हाइट आपको फाइंड, देन क्या होगा 0.433, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाइट 0.433 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 से, तो आपके पास आएगा 0.866, ये आपका सेंटीमीटर में इसका आंसर है। तो ये आपकी हाइट आई है, अभी आपको इसका एरिया फाइंड करना बाकी है, तो मैं एरिया यहां पे फाइंड कर रहा हूं, आपका एरिया ट्रेपेजियम PQRS इक्वल्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आप देख लीजिए 1 प्लस 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई है 0.866, ओके, इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 0.866, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये आगे कट जाएगा 433, और 433 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इधर कर लेता हूँ 0.433 आपके पास जाएगा, उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 3 9, 4 12 12 का 2 1 1.299,
तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 1.3 हो जाएगा, तो इसका एरिया आएगा आपका 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका एरिया है आपके पास 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको, वापस एक बार रिमाइंड करके समझने की कोशिश करते रहिएगा, एक दो बार सॉल्व कर लेगा आपको। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों शेप आपके सेम है। ओके, ये इस साइड का शेप और उस साइड से दोनों सेम है, तो इसको हम डायरेक्टली, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल्स हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो हाफ आपका बेस हो गया 1.5 एंड हाइट होगी 6 2 से 3। ओके, तो 1.5 मल्टीप्लाई थ्री आपका 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये फोर्थ एंड फिफ्थ का दोनों का सेम हो जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल, अदर वर्ड में ट्रायंगल का जो भी एरिया है वो भी जो नेम है उसके अकॉर्डिंग 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप पांचों फेस का एरिया आ गया अपने पास। अब टोटल एरिया अगर निकालें, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज़ फॉर्मूला।
और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके ब्लू कलर का एरिया आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करके व्हाइट कलर का, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सेल्फ कंप्लीट करना है, और अगर इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। डायगोनल 32 सेंटीमीटर इट मींस दिस वन एंड दिस वन। यहां पे डायगोनल का मींस आपका जो होगा वो होगा क्या, एसी एंड बीडी। जो डायगोनल है वो 32 है, एंड आइसोस्केल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ थ्री डिफरेंट शेप्स एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर इज शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। मींस इसमें डायग्राम में थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है इस डायग्राम में, तो आपको बता दूं किस टाइप से इसका है। जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर है, ये वाला एक कलर में है, ओके, सेकंड वाला, ये एक कलर में है, ओके, एंड थर्ड वाला, आपके ये तीसरा कलर। तो यहाँ पे तीन कलर में डिवाइड है, तीनों का आपको अलग अलग एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये दोनों शेप अगर ये स्क्वायर है तो आपका एरिया राइट इक्वल्स एरिया ग्रीन। एरिया रेड और एरिया ग्रीन जो होगा वो इक्वल होगा, और हम डायरेक्टली स्क्वायर में रोम्बस का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया रेड इक्वल्स एरिया ग्रीन इक्वल्स हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू डिवाइड बाय टू। डायरेक्टली इसका एरिया आ सकता है हाफ, आपका डायगोनल वन है 32, डायगोनल टू है 32, क्योंकि स्क्वायर दोनों डायगोनल इक्वल है। ये टू आपका, टू से आपको इसने कैंसिल आउट करा 60, और इस टू से इसको कंप्लीट करा 60, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका दोनों का एरिया इसका भी 256 हो जाएगा और इसका भी आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और आपका जो ब्लू वाला पार्ट है ट्रायंगल CEF, इसका एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एरोस फार्मूला से। ये साइड 6 है, ये 6 है, और ये 8 है। तो बाय टेकिंग A 6 B 6 एंड C इज इक्वल टू 8 यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ CEF। आपको डिफरेंट डिफरेंटली फाइंड करना, देख लीजिए हाउ मच पेपर इच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर। अब यहां पे 16 टाइल्स के थ्रू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इन टाइल्स को पॉलिश करने का आपको कॉस्ट निकालनी टोटल, तो उसके लिए सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। अब टाइल्स देख लीजिए, इसमें दो टाइल्स हैं, इसमें दो 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 और दो, इस तरह से देखें तो हम टोटल 8 प्लस 16 टाइल्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले एक शेप एक टाइल का एरिया निकालेंगे। तो एक टाइल का शेप देख लीजिए कुछ इस टाइप का है आपका ये। अब ये 9 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, और ये 28 सेंटीमीटर है। तो आपको ये एज ए एज बी एज सी ये लेते हुए बाय टेकिंग ए बी सी यू कैन फाइंड एस एंड देन आफ्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला। और हीरोज फार्मूला का एरिया लगाने के बाद जो भी आएगा टोटल एरिया इक्वल्स टोटल एरिया कॉलेज इक्वल 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल। तो वन टाइल का एरिया ट्राइंगल लगा के आप फाइंड कर सकते हैं, और टोटल कॉस्ट इसके बाद फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ 16 टाइल मल्टीप्लाई 16 टाइम मल्टीप्लाई
50 पैसे है, इट मींस 0.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन से आपको हिनोक्स फॉर्मूला के, इसके बाद नेक्स्ट ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ उसी तरह का है जैसे एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन पहले भी करा था। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखता, अ फील्ड इज द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 10 एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13 फाइंड द एरिया ऑफ। यहां पे डायग्राम में सब शो है तो लिखने की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। देखिए हमने क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ करी है, कौन सी, डीई, जो कि किसके पैरेलल है, सीबी के। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रेपेजियम है तो ऑलरेडी ये इसके पैरेलल है, इट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 13 है इसलिए ये भी आपकी 13 आ रही है और ये 10 है, इट मींस ये भी आपकी क्या आ जाएगी, 10 यहां से यहां तक, इट मींस 25 प्लस 10 ये गैप, ये कितनी बची आपकी 50। तो अब सबसे पहले आपको हाइट फाइंड करने के लिए एरिया ट्रायंगल डीएई फाइंड करना है, डीएई। तो डीएई के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, वही अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो उसके लिए सबसे पहले एस रिक्वायर्ड होगा, एस क्या आएगा आपके पास, एस आएगा 40 प्लस 30 प्लस 50 अपॉन, ये हुआ आपका 42 अपॉन 21 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला लगाया, 21 माइनस 40, 21 माइनस 30, यहाँ 21 है, यहाँ 30 का, ओके, 21 माइनस 50, इसके अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 30 8 एंड 21 माइनस 15 6। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 7, 4 टू जा 8, 3 टू जा 6। तो अब 7 7 का एक पेयर कंप्लीट, तो यहाँ बाहर आया 7, 3 3 का एक पेयर कंप्लीट, तो यहाँ बाहर आया 3, और 2 2 का एक पेयर कंप्लीट, तो यहाँ बाहर आया 2, और 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो यहाँ 2। 7 3 जा 21, 21 टू जा 42, 42 टू जा 84। बट एरिया ट्राइंगल हम जानते हैं और क्या होता है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 84। इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हाफ बेस जो है आपका कितना है, ये आपका बेस है 50, हाइट आपको 5 है, ओके। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हाइट इज इक्वल टू होगा आपके पास क्या, 84 मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 50, 84 टू जा 8, 8 टू जा 16, 168 डिवाइड बाय 50, डिवाइड करेंगे 50 में जा 50, ओके 18 50 में जा 50, देन आफ्टर 30 11.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई है डीएम। अब आपको इसके आगे आपको सेल्फ करना है, एरिया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के आपको सेल्फ फाइंड करना है, हाइट आपके पास 11.2 सेंटीमीटर आ गई। तो आपको दो पैरेलल साइड जो लेनी होगी वो 10 मीटर एंड 25 मीटर लेके इसको सॉल्व करना। आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपका जो यूनिट थी लॉस फॉर्मूला वो आप कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट हम जो भी पढ़ेंगे वो आगे देखते हैं, आज की बस इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।